हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और मैं हूँ लक्ष्मी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो गाइस, ये है सुबह सुबह का टाइम जब हमने अपने बेटे को स्कूल में छोड़ा था और फर्स्ट दिन है उसका स्कूल का। और आज हमने घर पे ही देसी जुगाड़ करके मक्खनी निकालने की कोशिश की है, क्योंकि घर पे हमारे कोई भैंस और या गाय नहीं है। तो आज हमने घर पे ही दूध वाला जो दूध देने आता है उसी का दूध से निकली हुई मलाई की हमने मक्खनी निकाली थी। इसके बाद आज हमारे गेट के ऊपर ही टेंट लगा हुआ है, क्योंकि पास में पड़ोस में जो घर है सामने वाला, उसमें आज एक बच्चे का नाम है और ये वो घर है उनका, और वहाँ इन्होंने नामकरण का जो संस्कार रखा हुआ था वो है। और यहाँ पर बच्चे के मम्मी और पापा दोनों बैठे हैं बच्चे को गोद में लेके, और पंडित जी हैं जो वो हवन वगैरह कर रहे हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में हवन करके और 5 दिन या 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है जन्म लेने के बाद, तब उसका नामकरण वगैरह किया जाता है। आपके यहाँ क्या रीति रिवाज है वो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पूरे परिवार को इकट्ठा किया जाता है और अच्छे से नामकरण वगैरह किया जाता है बच्चे का, और पंडित जी को बुलाया जाता है और सब ननिहाल पक्ष को बुलाया जाता है और जितने भी अपने रिश्तेदार होते हैं उनको बुलाया जाता है और सब नामकरण में शामिल होते हैं। बच्चे का जब नामकरण हो जाता है, यहाँ नामकरण हो चुका था और अब सब लोग बच्चे को अपना आशीर्वाद देकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने छोटी सी एक पार्टी रखी हुई थी जिसमें खाना था और कुछ मीठा था, तो वो सब चल रहा था। तो यहाँ वो है प्रोग्राम। बाहर जो गली थी, गली के अंदर हमारा जो घर है उसके बिल्कुल गेट पर था, और DJ भी मंगवाया था इन्होंने, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे डांस, जो एक गिलास पर एक मटका रखिए बहुत मुश्किल है हमारे लिए तो, लेकिन जो डांस करते हैं उनके लिए पता नहीं कैसा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ मैं और मेरा बेटा है जो वो घर आ गए थे और हमने ड्रेस चेंज कर ली है। पहली वाली ड्रेस में मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन ये मैंने ड्रेस चेंज की थी। मैंने साड़ी पहनी है अभी, पहले मैंने शरारा पहना था और अभी मैंने साड़ी पहनी है। ये मम्मी पापा जी सब बैठ कर बातें कर रहे थे। ये रस्म है जो वो बोलते हैं कि जब लड़का होता है घर में तो उसकी जो माँ होती है उसको जलवा पूजन की रस्म बोलते हैं, जिसकी जल को पूजा जाता है, या आप बोल सकते हो कि कलश पूजन की होती है ये रस्म। तो उसमें ये जो साथ में चल रही हैं ये हैं ननंद, और वो जो जिसने कलश उठाया हुआ है वो है भाभी। तो भाभी के लड़का हुआ है और ननंद को साथ में परात में कुछ मीठा डाल के चलना होता है, ऐसा कुछ रिवाज है। तो वो अब जाएंगे और जहाँ पानी होता है, जैसे कि पहले कुएं पर जाते थे या फिर जहाँ पर पानी हो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर पूजन करेंगे। वहाँ पर जाएंगे पूरे रास्ते अच्छे से, मतलब DJ पर डांस करते वगैरह सब लोग जाएंगे साथ में, और वहाँ जा कर के कलश पूजा होगी और वहाँ पर ये मीठा भी चढ़ाया जाएगा और वहाँ से फिर घर पे वापस आएंगे वैसे ही डांस करते हुए, और वैसे ही आएंगे सब वापस। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, तो बहुत अच्छा लगा। ये टेंट लगा हुआ है, इसके उधर वाली साइड हमारा घर है और यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे हैं। सॉन्ग्स वगैरह मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम है, और सब लोग डांस कर रहे थे और ये हम पीछे पीछे चल रहे थे। फिर बाद में हमने भी डांस किया लेकिन हमारी तो वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन ये हम पीछे पीछे चल रहे थे। और ये राघव और राघव के पापा दोनों चश्मा लगा के जा रहे थे, उनकी भी वीडियो है आगे आएगी। तो ये बहुत अच्छा लगा, और आज तो पूरा दिन इसी प्रोग्राम में चला गया, क्योंकि सुबह तो नामकरण था बच्चे का और ये शाम का टाइम है जब ये कलश पूजा हो रही है। तो ये है सेकंड डे की वीडियो, क्योंकि मैंने कल ब्लॉग को एंड करना मैं भूल गई थी, तो मैंने आज शूट किया है। और आज भी हम पार्टी में जाने के लिए रेडी हैं। हेलो हेलो,
तो गाइज कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल चौहान ब्लॉग्स को। थैंक यू, बाय।